नेता चुनते हैं, अपना मन पसंद का नेता चुनते हैं और उसको संसद में भेजते हैं ताकि हमारा अधिकार के लिए वो लड़ सके, हमारा विकास के लिए सोच सके, हमारा लोकसभा क्षेत्र को डेवलपमेंट करे, इसीलिए हम लोग संसद में उसको भेजते हैं। लेकिन ये जो हम लोग अपना मताधिकार, ये वोट हम लोग जो देते हैं, उस नेता संसद में जाके हमारा संविधान का आईन कानून अधिकार चेंज कर देता है जो हमें पूरा जिंदगी भर पछताना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं 5 साल के लिए एक संसद चुना जाता है, लेकिन संविधान में नया नया बिल लाते हैं, पास करते हैं, उसके बाद हमारा अगले पीढ़ी हमारा भविष्य को भी नष्ट कर देता है। अगर हम एकदम से बात कर रहे हैं, एक तरफ डकैत पार्टी और एक तरफ चोर पार्टी, यानी कि बीजेपी पार्टी डकैत पार्टी, चोर पार्टी टीएमसी पार्टी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग 2 दिन का न्यूज में हम लोग देख रहे हैं करीब 25,500 जो एसएससी में क्वालिफाई किया था वो लोग को डिसक्वालीफाई किया गया है। ये है पश्चिम बंगला का स्थिति। यहाँ पर ममता बनर्जी यानी टीएमसी ने तरह तरह से दुर्नीति किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा, बालू से लेकर कोयला, चाकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनुष्य को भी खाया। जब पेट नहीं भरा तो महिला का इज्जत पर भी डाका डालने लगा। हम लोग संदेश खाली जैसे घटना देखे, हम लोग सोचते हैं कि संदेश खाली एक ही है, नहीं, संदेश खाली एक नहीं है, संदेश खाली हमारा ब्लॉक ब्लॉक बड़ा बड़ा में हो रहा है, पढ़ाई पढ़ाई बोलोके बोलोके उत्तम सरदार शिबू हजरा शेख शाहजा मानूस आज जेखने टीएमसी क्षमता आज पंचायत जिला परिषद बोलो जेखने डेवलपमेंट टाका आज टीएमसी सब खा के हजम कर दिया। ये जो हम लोग 2011 में टीएमसी को देख रहे हैं, ऐसे तैसे नहीं आए हैं। जब भी चुनाव में हम लोग देखे दीदी क्या बोलती है, खेला हो बे, एक पैर से भी बोलती है खेला हो बे, ये बार ऐसे क्यों बोल रहे, संदेश खाली हो गए। हम लोग देखे तो संदेश खाली 2011 में जब टीएमसी सरकार आया, तरह तरह से झाड़गरा मेरिया में जितना भी उसका विरोधी पार्टी है, सीपीआईएम पार्टी है, उसका खून कराया, वो लोग को धमकाया गया, अभी भी वोट लूट हो रहा है। ये जो हम लोग निर्वाचन जो पंचायत निर्वाचन हुआ उसमें भी हम लोग देखे टीएमसी पार्टी ने वोट लूट किया, लोगों को धमकाया, वोटर को धमकाया, कहाँ है हमारा मताधिकार। हम लोग बात करते हैं हमारा भारत देश समाजवादी धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र तमक देश है, लेकिन कहाँ है। ये जो हम लोग 19 तारीख को लोकसभा चुनाव हम लोग देखे, वहाँ पे टीएमसी और बीजेपी पार्टी एक दूसरे को मार रहे हैं, हथियार के साथ लड़ रहे हैं, कहाँ है हमारा गणतंत्र देश, कहाँ है हमारा धर्म निरपेक्ष देश। वही पर केंद्र बीजेपी पार्टी, बीजेपी पार्टी हमारे के धर्म नहीं विभाजन को छे के हिंदू के मुस्लिम के सांताल के कुर्मी, श्री राम आड़ाले हमारे के धर्म विभाजन को छे। ये है केंद्र सरकार का टारगेट, इसीलिए बोल रहे हैं इस बार 400 पार इसलिए जो करोड़ों करोड़ों रुपया कॉर्पोरेट कंपनी से जो बॉन्ड लिया है। हम लोग बहुत बार सुने हैं, न्यूज में देखते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड है क्या। इलेक्ट्रोल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला, चोरी करने का एक तरीका है। अभी जो हम लोग बोलते हैं झाड़ग्राम वनांचल एरिया है, 2006 में SC ST स्थानीय लोगों को बना अधिकार मिला था, लेकिन उस बना अधिकार को बीजेपी पार्टी ने संशोधित करके SC ST स्थानीय लोगों से छीन लिया गया। अभी हम लोग का जगह जगह में पट्टा जमीन छीन के वहाँ पे कॉर्पोरेट कंपनी अपना मन मर्जी कर रहे हैं, वहाँ का पत्थर बिक रहे हैं, पेड़ बिक रहे हैं, हमारा संपत्ति बिक रहे हैं। मोदी तो पूरा भारत देश का संपत्ति को ही बेचना चाहता है, बेसरकारीकरण कर रहा है, रेल बिक रहे हैं, बैंक बिक रहे हैं, जो भी उसको मिल रहा है बेसरकारीकरण कर रहा है। अखन बोलते कि मोदी गारंटी नया भारत का निर्माण। अरे नया भारत का निर्माण तो हम लोग का 1950 में ही हुआ था, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान लिखा था। अभी कौन सा नया भारत का निर्माण हो रहा है। वो जो नया भारत है निर्माण कर मोदी जेटा धन कुबेर आ दो धन कुबेर अंबानी अडानी तादेव संगे से नया भारत निर्माण कर कॉर्पोरेट कंपनी हाथे भारत संपत्ति तुले दिए से नया
बोल रहा है मोदी का गारंटी, क्या था गारंटी? जब 2014 में आया था तो हमारे साथ वादा किया था डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया हो गए। हम लोग बहुत खुश थे कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, लेकिन उस डिजिटल इंडिया का नाम पर भी हम लोग को लूटा जा रहा है। पहले हम लोग को फ्री में सिम कार्ड मिलता था, अभी हम लोग 150 से 200 रुपए उससे ज्यादा का हम लोग रिचार्ज करते हैं, तब जाके हम लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। ये जो डिजिटल इंडिया के नाम पे जो दुर्नीति हो रहा है, इसको किसको मिल रहा है पैसे? अंबानी को। कौन बड़ा हो रहा है? अंबानी। ये जो हम लोग देख रहे हैं दिनों दिन जो सामान का दाम बढ़ रहा है, कहां से बढ़ रहा है? ये जो करोड़ों करोड़ों रुपया जो मोदी सरकार, टीएमसी सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर जो रुपया लिया है, जो दुर्नीति किया है, अभी जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, मेडिसिन से लेकर हर चीज का दाम बढ़ा हुआ है। सबका घर में शुगर पेशेंट, हाई प्रेशर पेशेंट, तरह तरह के पेशेंट है, लेकिन उसके लिए हम लोग दवाई खरीदने से भी हम लोग सोचते हैं। अभी दवाई का दाम इतना बढ़ गया है, आसमान छू रहा है, दवाई खरीदने के लिए भी हमारे पास औकात नहीं है। और मोदी बोल रहा है नया भारत का निर्माण मोदी का गारंटी, और दीदी भी यहाँ पर वही कर रही है। दीदी और मोदी, टीएमसी और बीजेपी पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं, ये लोग एक ही पार्टी है। टीएमसी और बीजेपी पार्टी हो